स्वागत है आप सभी का इजी बैंक का चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग जो स्टूडेंट कराए हैं और जो एनसी और जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान थे उनके लिए एक अच्छी खबर आया है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा आप यहाँ पे देखिए जो ट्वीट किए हैं संदीप सौरभ जो एमएलए हैं पालीगंज के कि बिहार एसएससी अभ्यर्थी ध्यान दे, बिहार एसएससी 2014 बहाली में एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय मतलब पटना हाई कोर्ट ने छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि 2014 का डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण किसी का फाइनल रिजल्ट नहीं रोका जा सकता है। तो एक बहुत अच्छी खबर है कि जिनका 2014 का डॉक्यूमेंट नहीं था उनको यह रिजल्ट नहीं रोका जाएगा, उन सबको पास कर दिया जाएगा। अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगा, ठीक है। अगली सुनवाई जो है पटना हाई कोर्ट में वह 11 जनवरी को है, ठीक है। एक और ट्वीट है, इस दौरान मैंने सामान्य प्रशासन विभाग और सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क किया, मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसे संज्ञान लिया है। आयोग बेवकूफी करना छोड़े और इस पर नोटिस जारी करे और छात्रों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार एसएससी से मांग की गई है कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट और सभी अभ्यर्थियों का अंक जारी किया जाए, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों का जो मार्क्स जारी किया जाए और उसका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। सीट खाली रहने की स्थिति में सेकेंड लिस्ट जारी हो, अगर सीट खाली रह जाता है तो सेकेंड लिस्ट जारी हो और विकलांग अभ्यर्थियों को उचित आरक्षण देते हुए उनकी अलग से लिस्ट जारी किया जाए, ठीक है। यही एक अपडेट आया है, अब जल्द ही आयोग के वेबसाइट से भी ऑफिशियल वेबसाइट से भी नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।